अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जे टीम व्लॉग में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे, हर बीमारी से हर बला से महफूज रखे, आपके दस्तखान को हरा भरा रखे और आपके घर में अल्लाह ताला बरकत दे, आमीन। तो सर्दियों का आगाज़ हो चुका है, तो सर्दियों के हिसाब से आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो गाजर के मुरब्बे की रेसिपी है। तो गाजरें आजकल बाज़ार में आ चुकी हैं, तो मैंने सोचा कि आज आपके लिए मैं गाजर का मुरब्बा तैयार करूं। तो चलें आए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये मैंने 1 किलो गाजरें ले ली हैं, इनके ऊपर से मैंने छिलका उतार लिया है, उनको अच्छे तरीके से धो लिया है। तो धोने के बाद ये खुश्क मैंने कर ली हैं, तो खुश्क करने के बाद आपने देखिए इतने इतने पीस आपने करने हैं इसके गाजर के। और ये जो एंड में जो पीस रह जाता है वो ज़रा बड़ा है, तो उसको आपने सेंटर में से काट लेना है। बहुत छोटे पीस नहीं करने हैं, क्योंकि वो ये ना हो कि गाजरें ज़्यादा गल जाएं और मुरब्बा आपका ख़राब हो जाए। तो इतने इतने पीसीस आपने करने हैं। ये देखें इतने इतने पीसीस होने चाहिए, बहुत छोटे नहीं करने आपने। ये देखें माशाल्लाह सब गाजरों को हमने काट लिया है और ऑलमोस्ट इसके पीसेस जो हैं वो इक्वली हैं। तो आए अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। ये जी पतीले को हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया है, इसमें हम शामिल करेंगे 2 कप पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इसमें 2 कप पानी चला गया और 1 कप हम इसमें चीनी शामिल करेंगे, क्योंकि गाजरें खुद भी मीठी होती हैं, तो फिर ज़्यादा मीठा ना हो जाए। तो वो अगर आपने मीठा ज़्यादा करना है तो बेशक आप 1.5 कप भी इसमें शामिल कर सकती हैं, वो आपके अपने ऊपर है कि आप कितना मीठा पसंद करते हैं। चीनी को मेल्ट होने तक हमने पकाना है। इसी दौरान मैंने इसमें इलायची शामिल करनी है। ये इलायची के मैंने बीज निकाल लिए हैं, 4-5 इलायची के बीज हैं मेरे पास, मैंने इनको मोटा मोटा सा कूट लिया है, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। माशाल्लाह चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है, हमने इसका शीरा नहीं बनाना, इसको सिर्फ पिघलाना है चीनी को। तो इसमें आपने गाजरें शामिल कर देनी है, मिक्स करने के बाद आपने इसको तेज आंच पे थोड़ी देर के लिए ढक के रख देना है, ताकि क्योंकि गाजरें ठंडी हैं तो वो ज़रा थोड़ा सा ना नरम हो जाएं। इसको थोड़ी देर के लिए आपने ढक के रखना है। 3 मिनट के लिए हमने इसको ढक कर रखा था ताकि गाजरें थोड़ी नरम हो जाएं। तो ये देखें 3 मिनट हमारे हो चुके हैं, ये पोजीशन है हमारी। अब हमने इसको मीडियम आँच पर इसको हमने ना कुक करना है। आँच इसकी मीडियम कर दें और तकरीबन आप इसको 15 मिनट के लिए रखें, 15 मिनट के लिए, उसके अंदर गाजरें भी अच्छे तरीके से गल जाएंगी। तो 15 मिनट के लिए हम इसको ढक कर रखने लगे हैं। 15 मिनट हमारे हो चुके हैं, अब हम चेक कर लेते हैं गाजरों की क्या पोजीशन है। ये देखें माशाल्लाह से गाजरों ने जो पानी छोड़ा था वो भी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, और जो शीरे का पानी था वो भी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। लेकिन अभी भी हमने उसको इतना पकाना है कि शीरा हमारा 1 तार के बराबर जब आ जाए, 1 तार उसकी बननी शुरू हो जाए, तो तब वो हमारा मुरब्बा बनकर तैयार होगा। तो अभी इसमें पानी है, तो हमने इसको 1 तार बनने तक पकाना है। अब इसकी आंच को आप तेज़ करके इसका शीरा आप खुश्क कर लें। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा ये शीरा अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। ये देखिए इसकी 1 तार बन रही है, ये बस इतना ही शीरा हमें चाहिए। अब यहाँ पर 1/2 लीमू मैं इसमें निचोड़ रही हूँ। इस लीमू का ये कमाल है कि ये आपके मुरब्बे को ख़राब नहीं होने देगा और दोबारा शीरे को जमने नहीं देगा। अक्सर आपने देखा होगा कि शीरा फिर दोबारा से जम जाता है और चीनी बच जाती है, ये लीमू हमारा इसको ना दोबारा से जमने नहीं देगा। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारा मुरब्बा बनकर तैयार हुआ है, मैं अभी आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ।
माशाल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुरब्बा बनकर तैयार हो चुका है। गाजर का मुरब्बा आज हमने आपके लिए तैयार किया। ये देखिए माशाल्लाह अच्छे तरीके से गला हुआ है हमारा मुरब्बा, बहुत ही ज़बरदस्त जूसी जूसी हमारा मुरब्बा ये है तैयार हुआ है। तो आप इसको किसी एयर टाइट कंटेनर में डालकर सेव कर लें और 3 महीने तक आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।